सुबह के बज गए हैं 9 और मेरी बेटी अभी सो रही है। मैं उठ गई थी सुबह 8 बजे और ये मेरे हस्बैंड जी इधर काम कर रहे हैं सुबह ऑफिस का, तो इनका काम चलता रहता है। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे और रोज की तरह एकदम भले चंगे होंगे। और अभी क्या है, सुबह का काम चालू हुआ है, तो मैंने ये सारी बेडशीट जो गंदी हो रही हैं, पिलो कवर वगैरह, ये सब मैंने निकाल दी हैं और फिर धीरे धीरे करके इनको धोएंगे। इकट्ठे नहीं धोऊंगी लेकिन निकालती जा रही हूँ जो गंदे गंदे कपड़े वगैरह हैं। ये सब, ये देखिए गेट पे टंगे हुए हैं सारे कपड़े, ये सब गंदे हो रहे हैं, तो सब मैं इकट्ठे कर दे रही हूँ एक जगह पहले। और अब मैं कर दे रही हूँ बेडरूम की अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि ऊपर जाले जाले से लगे हुए हैं, धूल मिट्टी चिपकी हुई है चारों तरफ, तो ये सब मैं झाड़ दे रही हूँ ऊपर से, क्योंकि बीच में काफ़ी दिन। और ये देखिए साइड में एक लाइट जल रही होगी और मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, लेकिन मालूम है सारे स्विच ऑफ हैं फिर भी ये जलती रहती है। इसमें कुछ खराबी ऑटोमेटिक हो गई है, वो जलती रहती है तो इसलिए वो जल रही है। और यहाँ पर फ़ैन वगैरह भी मैंने साथ ही साथ झाड़ दिया जहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ उतना। तो ये पूरा एक बार ये डस्टिंग हो जाएगी ना, अलमारियाँ खोल के नहीं साफ़ करूँगी, ये तो बाद में होंगी, क्योंकि मेन चीज़ है पहले धूल मिट्टी निकाल दो सारी, तो एक बार कमरा अच्छे से साफ हो जाएगा तो फिर ठीक रहेगा। और इतना आने के बाद बाल तो इतने गंदे हो गए ना कि मैंने बस ऐसे झूठ मूठ कोई चुनरी डाल रखी है, क्योंकि रास्ते के गंदे बाल हैं और अब धूल मिट्टी का काम कर करके और गंदे हो गए हैं। और आज मंगलवार है, आज बाल साफ़ नहीं करते हैं शायद, लेकिन मैं करूँगी, मजबूरी है, वरना फिर मुझे चैन नहीं पड़ेगा, मैं सो भी नहीं पाऊँगी इस वजह से। और एक सलाह और लेनी है आप लोगों से, मुझे अपने हेयर कट करवाने हैं, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से कह रहे हैं दी नीचे से बहुत बाल ख़राब है, तो मुझे बता दीजिएगा कौन सा कराऊँ, बाद मैं पछताती रहती हूँ फिर कराने के बाद। और ये सब जगह बेड वेड के नीचे की सब जगह की कोनों कोनों की धूल मिट्टी सब मैंने अंदर से सब बाहर निकाल दी है। देखिए इतना काला काला पूरा धूल मिट्टी निकली है खिड़कियों से ऊपर से, तो ये सारी एक बार झाड़ दिया। अब नहीं झाड़ूंगे बार बार, एक बार क्लीनिंग होती जा रही है तो ये बार बार के लिए हो जाए। ये देखो इसके क्या नाटक चल रहे हैं, इस बॉटल से उस बॉटल में पानी भर रही है और फिर इससे उसमें पलट रही है। यहाँ पर बज गए रात का 1, तो ये सोने वाली नहीं है, मैंने इससे कहा है सो जाओ तो इसको नींद ही नहीं आती है, बस मस्ती करती रहती है। ये देखो अभी इसमें इसने पानी पलट लिया है और वापस फिर से उसी बॉटल में पलटने लगी है। ये बहुत ही नौटंकी वाज लड़की है। तो अब मैं ये अपनी नाइट में सोने वाली दवाई लगा लेती हूँ, ये मैं लगाती हूँ जो मेरी ख़त्म हो गई है। ये नानू मेरी सारी दवाई ख़त्म हो गई बेटा, ये क्या है, तो क्या करोगी पैसे का बेटा? अच्छा इन पैसों से लाओगी मेरे लिए दवाई? ओ ठीक है, मुझे दिला देने सुबह। हाँ। ओके ओके, कितने पैसे हैं आपके पास? अच्छा ये नानू के पैसे हैं, इसको अपने पैसे पर बड़ा घमंड रहता है। जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है घर में तो ये देखो क्या कर रही है। तो मैं बोलती हूँ कि बेटा मेरी ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो बस अपने पैसे दिखाएगी, बोलती मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, और अपना डिब्बा लेकर आ जाती है, बोलती मैं दिला दूँगी मम्मा, कोई बात नहीं। नानू मुझे ये पैसे किस लिए दे रही हो? अच्छा ओके, तो बेटा अब सोने का टाइम हो गया, मैं कल ले लूँगी दवाई, अब सो जाते हैं अपन। ओके।
मोबाइल चला रहे हैं, इनको भी नींद नहीं आ रही है। देखो क्या स्टाइल में मोबाइल चला रहे हैं। रात का 1 बज रहा फिर भी नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या देखते रहते हैं मोबाइल में। क्या तो आपको नींद नहीं आ रही, क्या सोना नहीं है क्या? सोने की तैयारी करूँ, मैं भी तुरंत सो जाऊँ। ऐसा लग रहा है गले में कुछ फंसा हुआ है, तो बोलने से पहले गला साफ कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ अटका हुआ है। और बोलना तो नहीं चाह रही, लेकिन कभी कभी आप लोग इतना मजबूर कर देते हो, एकदम इतना पिन कर देते हो ना कि बोले बिना रह नहीं जाता है। मैं इतना उसको भर दिया जाता है ना कि वो फूट पड़ता है, फिर उससे उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसी बातें भी देखी, नंदिनी के लिए भी बहुत सारा उल्टा सीधा लोगों ने बोल दिया, लिख दिया, लेकिन ये बातें सहन करने वाली नहीं है। एक कॉमेंट तो इतना गंदा लिखा हुआ था कि मैं उसे बोल भी नहीं सकती हूँ कि उसे मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि आप नंदिनी को संग में ले आए हो और उसे भी सिखा दोगे कि अमीर घर आए हो और उसे भी आप सिखा दोगे कि अमीर घर के लड़कों को कैसे फंसाना है, क्या करना है। नंदिनी को मैं जानती हूँ, मेरे साथ रहती है, वो कभी मुझे पलट के जवाब नहीं देती। अगर मैं कभी उसे कुछ कह भी दूं ना, तो वो इतने आराम से, मतलब मेरी खुद की बेटी होती ना, वो भी मेरे साथ इतने अच्छे से नहीं रहती जितने अच्छे से नंदिनी मेरे साथ रहती है। उसकी मजबूरी है, उसकी माँ बाप की मजबूरी है। मेरी जो दीदी है वो मतलब एनजीओ में जॉब करती है, तो वो टूर के लिए एक महीने के लिए बाहर जाती है। बीच बीच में जैसे उन्हें टूर मिलते हैं तो उनको बाहर जाना पड़ता है। फिर क्या है, नंदिनी के पापा अकेले रह जाते हैं, भाई है उसका वो भी पढ़ने चला जाता है, तो फिर वो अकेली कैसे रहेगी। तो इस वजह से नंदिनी मेरे पास रहती है, वो एकदम ऐसी रहती है ना जैसे मेरी बेटी हो। और नंदिनी को इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो मतलब इस तरीके की सोच आप जैसी रखते हैं कि वो ऐसा करेगी अमीर घर के, मतलब ऐसे जो गंदा लिखा, क्योंकि नंदिनी खुद इतनी मेहनती, इतनी समझदार, इतनी होनहार लड़की है ना, उसमें इतनी समझ है ना कि उसे कुछ भी, उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग उसके पास आएंगे। तो आप, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतनी गंदी बातें कैसे बोल, कैसे लिख देते हो किसी के लिए, कैसे बोल देते हो, क्योंकि आपके घर में खुद लड़की होगी, बहन होगी, बेटी होगी, क्या आप ऐसे ही सोचते हैं उनके बारे में। नंदिनी को मैं अपने दम पे रखी हूँ, नंदिनी के लिए मैं सब कुछ खुद करती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। और मैंने अपना खुद से जब होश संभाला है, जब मैं 19 साल की थी तब से मैंने किसी से भी 1 रुपया लेना बंद कर दिया था। मैंने अपना खर्चा खुद उठाना शुरू किया था जब मेरा पॉलिटेक्निक खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने जब पहली जॉब शुरू की थी तब मुझे 6,000 रुपए मिलते थे, मैं उसमें भी अपना खर्चा चला लेती, क्योंकि आप लोगों को पता होगा उस टाइम पे जैसे आप कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करके निकलते हो तो 6,000, 8,000, 10,000 ऐसी जॉब, मतलब आपको सैलरी मिलती है। इसीलिए हमारे टाइम में ना, पुराने समय में राजस्थान तरफ जहाँ पर बहुत ही मतलब ऐसे इलाके आदिवासी, वहां पर लड़कियों को ना जैसी पैदा होती थी ना उनको तुरंत मार दिया जाता, तुरंत के तुरंत खत्म कर देते थे। और मतलब ये समझा जाता था लड़की पैदा हो गई ना तो ये बहुत मतलब बहुत बड़ा कोई पाप हो गया है। तो ऐसी सोच क्यों रखते हैं हम ही, हम मतलब महिलाएं, हम लड़कियां, हम बहन खुद ही एक लड़की के लिए ऐसी सोच रखे गए तो मतलब क्या होगा, उनको मार के खा जाओ ना, उन्हें क्यों पैदा होने दे रहे हो, उन्हें क्यों बड़ा होने दे रहे हो। मतलब इंसान की अगर आप सही माने में देखे जाए तो झगड़े के 3 ही कारण होते हैं, एक जड़ होता है, एक जोरू होता है और एक जमीन होता है। इन चक्रों में लोग इतना पागल हो जाते हैं, और जब ये पागलपन बहुत ज्यादा इंसान लालच में आ जाता है, हद से ज्यादा गुजर जाता है ना, कुछ होने लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं कहती हूं ना कि आदमी को इतना टॉर्चर मत करो यार कि वो इंसान मतलब पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, है ना। और जब लोगों को लगता है ना कि उसको आपकी बहुत जरूरत है तो लोग आपको ब्लैकमेल भी करने लगते हैं, आपकी मजबूरी का फायदा भी उठाते हैं। तो कभी अपने आप को मजबूर समझने की जरूरत नहीं है, करना चाहिए अपने आप को हमेशा स्ट्रांग समझना चाहिए कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। तो ये देखो सारा, मैंने सोने की तैयारी कर तो दी है, ये नानू के लिए पिलो लगाई यहाँ पर कि ताकि ये नीचे नहीं गिरे। तो यहाँ पर इस तरह से लाइन से पिलो लगा देते हैं, नानू नीचे नहीं गिर पाएगी। और इसको भी नींद नहीं आती है, ये पता नहीं कैसी लड़की है, रात में 2-2, 2:30 बजे सोती है। चलो यशिका सो जाओ, चलो सो जाओ बेटा, ये देखो बोल रही है मुझे नींद ही नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही आपको? चलो लेटो सीधे से, हाँ अब नहीं उठना, ओके। ये देखो अभी नौटंकी आवाज है, जैसे ही मैं लाइट बंद करूंगी तो बस इसको प्यास लगेगी, कहीं कुछ बहाने से उठ जाएगी। देखो 2 सेकेंड नहीं हुआ और ये आ गई उठकर तुरंत ही। और अभी मुझे जाके, कल मैंने सारे राशन वासन के डिब्बे साफ कर दिए थे, अभी मुझे सारा राशन ला के भरना है
और बाकी घर के जो छोटे मोटे चीजें हैं वो सब ला के रखनी है, सब कंप्लीट करना है ताकि फिर सारा अच्छे से चलने लगे सारा सिस्टम। कभी जाऊंगी सारे इकट्ठे एक डेढ़ महीने का राशन वगैरह सब लेके आऊंगी, ताकि जो खाने पीने की चीजें हैं, अयान की बहुत सारी चीजें हैं वो सब लाना है, क्योंकि सब कुछ साफ हो गया है किचन में, अब राशन भरना बस है। आपको पता ही है कितना काम पड़ा हुआ है, वो सब करना ही है। तो इस वीडियो को कर दे एंड, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और आप लोग बोल रहे थे कि दी ये जो कृष्ण राधा जी की मूर्ति है वो यहाँ पे इस दीवार में, वॉशरूम की दीवार है, यहाँ पे नहीं टांगते, लेकिन वॉशरूम की दीवार यहाँ तक है, इसके आगे तो ये कमरे की दीवार है ना, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हैं, तो फिर मैं देखूंगी कहीं एक आध दिन दो चार दिन बाद जब मंदिर की सफाई करूंगी तब कहीं जगह बदल दूं, अभी नहीं। वैसे तो पूरे कमरे की सफाई कर दी है लेकिन इनको अभी मैंने कुछ नहीं किया है, ये ऐसे ही रखे हुए हैं। तो चलिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाय। और हम जाते हैं अब सोने। ये नानू फिर उठकर बैठ गई है, ये नानू का चादर है, ये अलग से इसके लिए चादर रखते हैं, ये अलग ही चादर ओढ़ती है, और ये मेरा चादर रखा हुआ यहाँ पर, यहीं पर फिर हम चलिए अपना वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं सुबह, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोलो यशिका, गुड नाइट।